हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईटी एकेडमिक्स। इस वीडियो में डिस्कस करूंगा कि पैरेलल एक्सिस में क्या होता है और उसको हम लोग कैसे शिफ्ट करते हैं किसी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को किसी दूसरी एक्सिस पे। तो बेसिकली पैरेलल एक्सिस फॉर्म के अकॉर्डिंग हम लोग, सपोज ये एक फिगर है हमें गिवन है और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें इसके सेंट्रोइडल एक्सिस पे पता है और मुझे किसी सेकंड एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया शिफ्ट करना है, एंड दिस एक्सिस विल ऑलवेज बी द पैरेलल टू द सेंट्रोइडल वन। सो आई कैन शिफ्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू एनी एक्सिस पैरेलल टू द सेंट्रोइडल एक्सिस इज इक्वल टू एनी एक्सिस इफ यू सी दिस फिगर केयरफुली, लाइक मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू एनी एक्सिस पैरेलल टू द सेंट्रोइडल एक्सिस, एनी एक्सिस पैरेलल टू द सेंट्रोइडल एक्सिस इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रोइडल एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रोइडल एक्सिस प्लस प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ फिगर एंड द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस एंड द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस। सपोज दिस बाई बार इज डिस्टेंस हियर, सो इसका स्क्वायर करेंगे हम लोग तो ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम होती है हमारी। यू कैन सी हियर आई ए ए इज इक्वल टू आई जी जी प्लस ए बाई बार स्क्वायर। सपोज ये हमारे पास में कोई ज्योमेट्री है, ये आई ए ए है एंड आई जी जी हमें यहाँ पे गिवन है जहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सेंट्रोइडल एक्सिस पे, और वाई बार इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस। सो आई कैन राइट हियर आई ए ए जो कि हमें फाइंड आउट करना है आई जी जी प्लस ए वाई बार स्क्वायर। ओके, इसी तरीके से अगर ट्रेंगल की बात की जाए तो ट्रेंगल के सेंटर पे इस तरीके से सेंट्रोइडल एक्सिस, यहाँ पे हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होगा, सपोज बी एच क्यू बाई 36 होता है और मुझे किसी सेकंड एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। आई कैन यूज यूजिंग दिस पैरेलल एक्सिस थ्योरम आई कैन शिफ्ट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर। अगर हम लोग बात करें रेक्टेंगल की, तो रेक्टेंगल में हम लोगों ने देखा था पहले, पिछले केस में हम लोगों ने देखा था, अगर ये वाला केस है जहाँ पे एक रेक्टेंगल दिया हुआ है और हमें बॉटम एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, देन दैट विल बी आई ए बी। इफ दिस इज ए बी एक्सिस तो आई बी इज इक्वल टू बी डी क्यू बाई 3, बेस पे हो जाएगा हमारा बी डी क्यू बाई 3। इस पे ये हमने तब किया था जब हमने एक स्मॉल स्ट्रिप कंसीडर करी थी और वाई जो है हमने यहाँ से पूरा लिया था और लिमिट लगाया था 0 to D का। ओके, 0 to D हमने लिमिट लगाया था, ये हम लोगों ने तब किया था। लेकिन इसी फॉर्मूले को हम लोग यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम वी कैन ऑल्सो ड्राइव द सेम रिलेशन। उस कंडीशन में हमें आई जी जी यहाँ पे पता होगा जो इसका बी डी क्यू बाई 12 है, जो आई एक्स एक्स है यहाँ पे। ओके, बी डी क्यू बाई 12 और उसके बाद में हमें इसका पूरा एरिया चाहिए और जहाँ पे हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं दोनों एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो वो इस तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा कि ये वही रेक्टेंगल है, डी बाई 2 डिस्टेंस है और यहाँ पे ए ए एक्सिस हमने कंसीडर किया, यहाँ पे हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो आई ए ए इज इक्वल टू बी डी, तो आई फॉर्मूला बनेगा हमारा आई ए इज इक्वल टू आई जी प्लस ए बाई बार स्क्वायर। सो आई जी जी, अब आई जी यहाँ पे कितना हो गया, बी डी क्यू बाई 12 प्लस एरिया, ये हुआ एरिया एंड बाई बार स्क्वायर, तो बाई बार दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ बाई डी बाई 2 होल स्क्वायर ऑफ डी बाई 2। ओके, सो दिस इज कैन बी रिटन लाइक दिस, बी डी क्यू बाई 12 प्लस बी डी क्यू बाई 4 बी डी क्यू बाई 4 एंड फाइनली वी सॉल्व इट लाइक दिस, बी डी क्यू बाई 3 हमारे पास में आ जाता है जो हमारे पास में पहले आ रहा था। तो इस तरीके से हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम को यूज कर सकते हैं। एक चीज आपको इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देनी है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम को हम लोग रिवर्स वे में भी लिख लेते हैं और जब हम लोग रिवर्स लिखते हैं तब हम लोग इस तरीके से लिखते हैं आई जी जी, मतलब आई जी इज इक्वल टू, अब हमें सेंट्रोइड पे हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है और किसी दूसरी एक्सिस पे गिवन है जो उसके पैरेलल है, तो आई जी जी इज इक्वल टू ए ए, आई ए ए हमें हमारे पास में अवेलेबल है और माइनस ए वाई बार स्क्वायर। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया तभी शिफ्ट कर सकते हैं जब एक एक्सिस हमेशा सेंट्रोइड रहेगी, दूसरी एक्सिस यहाँ पे हो सकती है यहाँ पे हो सकती है लेकिन पैरेलल रहेगी। अगर सपोज मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी इस एक्सिस पे फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे जो है रेक्टेंगल जो है उसके इसके पैरेलल जब यहाँ से एक्सिस पास हो रही होगी और मुझे यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होगा तभी मैं यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट कर सकता हूँ, अदरवाइज आई कुड नॉट डू। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगर आपको ये चीज़ समझ में आई हो आप लोग शेयर कर सकते हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आया। थैंक्स।